हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम एट द एमसीजी एकेडमी ग्वालियर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 23 अप्रैल के करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज है आप लोगों का 23 अप्रैल। 23 अप्रैल के करंट अफेयर के शेड्यूल में आप लोगों के लिए क्या क्या दिया गया है, दो डिस्कशन टॉपिक रहते हैं आप लोगों के लिए अवेलेबल। जो पहला आप लोगों का डिस्कशन टॉपिक दिया है, साथ ही साथ आप लोगों को दैनिक भास्कर एनालाइज भी करवाया जाएगा। आप लोगों को दिखाना चाहूंगा दैनिक भास्कर की जो मोस्ट हेडलाइंस रहती हैं वो आप लोगों के लिए जो जरूरतमंद होती है वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों के 10 क्वेश्चन जो क्विज के रूप में लेकर के आने होते हैं वो भी आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूँ। आप लोग देख सकते हो आपके क्विज के क्वेश्चन, साथ ही साथ आप लोगों के लिए जो लास्ट का डिस्कशन टॉपिक अवेलेबल रहता है वो भी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। तो ये है आपके आज की करंट अफेयर का शेड्यूल। मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक जानकारी देना चाहूँगा दोस्तों कि कल से आप लोगों के लिए इस चैनल पर जो हमारे महान न्यूज़पेपर जो है नव भारत टाइम्स और कुछ बड़े बड़े अखबारों की जो मोस्ट हेडलाइंस होंगी उनको लेकर के भी आने वाला हूँ। तो अपने चैनल में थोड़ा सा परिवर्तन करने वाला हूँ, इसी बात को लेकर के थोड़ा सा अपडेटेशन होने वाला हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छी सी जानकारी ला सकूँ। क्योंकि दोस्तों, मैं आप लोगों को वही जानकारी उपलब्ध करवाता हूँ जो आप लोगों की परीक्षाओं के लिए उपयोगी होती हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो तक लास्ट तक देखना है, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, तो अगला जो आप लोगों का जो इसको शुरू करते हैं, तो पहला जो आप लोगों का डिस्कशन टॉपिक दिया है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हेतु बजरंग पुनिया के नाम सिफारिश की है। ये आपके के बारे में बताना चाहूंगा। भारतीय रेसलिंग फेडरेशन जो है WFI ने 29 अप्रैल 2019 को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए भारतीय पहलवान जो बजरंग पुनिया और विनोद फोगाट के नाम सिफारिश की है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI ने हेना सिंधु और अंकुर मित्तल को खेल रत्न देने की सिफारिश की। राजीव गांधी खेल रत्न भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया है। तो इस प्रकार के आप लोग सोचते होंगे डिस्कशन टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों, डिस्कशन टॉपिक से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि इस बार किस किस के लिए सिफारिश की गई, आगे यदि मिल जाते हैं तो किसके किस किस को मिला। ओके, और राजीव गांधी खेल रत्न जो पुरस्कार है किसके कारण दिया जाता है, हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी थे उनके कारण दिया जाता है, और इसका ये खेल जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनते हैं। इस पुरस्कार में एक पदक क्या क्या मिलता है ये आप लोग बताना चाहूँगा। इस प्रकार पुरस्कार में एक पदक, प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख रुपए पुरस्कृत व्यक्ति को दिए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा सम्मानित व्यक्तियों को रेलवे की मुफ्त पास सुविधा भी दी जाती है। ओके, पिछले 4 सालों के प्रदर्शन के आधार पर इन खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश की गई। खेल मंत्री इन सभी नामों की समीक्षा करेंगे और उनके प्रदर्शन का आकलन किया जाएगा। इसके बाद मंत्रालय चयन समिति को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए अपने सुझाव दे सकता है। हर साल खेल पुरस्कार महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 सितंबर को दिए जाते हैं। तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है कि आप लोगों को जो 29 सितंबर को दिए जाते हैं किसकी याद में दिए जाते हैं, जो हमारे हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद के कारण दिए जाते हैं, ग्वालियर के रहने वाले थे, थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। और 29 अप्रैल को इन्हीं के जन्मदिवस की याद पर ये मनाया जाता है। इसी दिन सभी लोगों को खेल जगत के सारे पुरस्कार बांटे जाते हैं। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के ही नाम की सिफारिश क्यों की, इसके बारे में जानना चाहेंगे। बजरंग पुनिया अब तक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 8 स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। उन्होंने कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में भी 1 स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। उन्हें इसके अलावा आगामी 6 मई 2019 को अमेरिका में कुश्ती करने के लिए आमंत्रित किया गया है। विनेश फोगाट पिछले कुछ समय से बेहतरीन फॉर्म में चल रही हैं। विनेश फोगाट जो है लड़की हैं, तो इनका मैंने आपको शुरुआत में फोटो दिखाया था। वे 26 अप्रैल को ही एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 53 किलो भार में कांस्य पदक अपने नाम किया। विनेश फोगाट एशियाई खेलों में कुश्ती का 1 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पहलवान बनी है। कौन बनी है दोस्तों, विनेश फोगाट। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, पहली जो एशियाई खेलों में कुश्ती का 1 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है, विनेश फोगाट। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों की प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण होते हैं। सभी खेलों के बोर्ड अपनी तरफ से इन पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों के नाम की सिफारिश करते हैं। मीन्स BCCI भी आपने अभी बताया था कल की वीडियो में किसके नाम जारी किए हैं। इसी प्रकार से अर्जुन अवार्ड की सिफारिश के लिए भारतीय कंट्रोल क्रिकेट बोर्ड जो BCCI ने हाल ही में 4 भारतीय क्रिकेटरों के नाम दिए, किस किस के नाम दिए ये आप लोगों को बताना चाहूँगा। अर्जुन अवार्ड के लिए भेजे हैं बोर्ड ने पूनम यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, जैसे कि मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था। ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के नाम भी इन्होंने भेजे हैं। भारतीय कुश्ती संघ ने राहुल अवारे, हरप्रीत सिंह, दिव्या ककरन और पूजा डांडा का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए आगे दिया है। अर्जुन अवार्ड खेल में उत्कृष्ट योगदान देने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ था दोस्तों, इस पुरस्कार का प्रारंभ हुआ था 1961 में। अब ये द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए सिफारिश किए गए खिलाड़ी, कुछ लोग ऐसे होते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी पुरस्कृत किए जाते हैं। द्रोणाचार्य आप लोगों को पता होगा गुरु थे, तो उन्हीं के नाम पर इनको गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर इसको दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए वीरेंद्र कुमार, सुजीत मान, नरेंद्र कुमार और विक्रम कुमार के नाम सिफारिश की गई है। द्रोणाचार्य पुरस्कार आधिकारिक तौर पर खेल और खेलों में उत्कृष्ट कोचों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। इस पुरस्कार केवल ओलंपिक खेलों, पैरा ओलंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों में विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप और क्रिकेटर स्वदेशी खेलों में और पारा स्पोर्ट जैसी घटनाओं में शामिल होने वाले विषयों में दिया जाता है। ओके, तो ये था आप लोगों का आज का पहला डिस्कशन टॉपिक। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है तो इस वीडियो को आप लोग एक बार लाइक जरूर कर देना। ओके,
तो आगे के क्रम में आप लोगों के लिए दैनिक भास्कर एनालाइज लेकर के आया हूँ। तो आप लोगों का पहला दैनिक भास्कर एनालाइज का जो आप लोगों का विषय है, आपका पहला जो चर्चित टॉपिक है क्या है, 2018-19 में फरवरी तक 20,000 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी सामने आई थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या ई इनबॉक्स की व्यवस्था कर ली है सरकार ने, जिसके कारण जीएसटी को इस प्रकार से चोरी नहीं किया सकता। हर इनबॉक्स पर खास पहचान नंबर मिलेगा, जिससे रिटर्न किए गए इनबॉक्स और टैक्स मिलान नंबर संभव होगा। इस प्रकार से ई इनबॉक्स जो चालू कर दिया गया है सरकार द्वारा, अब जीएसटी चोरी नहीं किया जा सकती। उपाय इसके क्या है, इनवॉइस को टर्नओवर के हिसाब से जरूरी किया जाएगा, इनवॉइस को ताकि बिल में छेड़छाड़ ना की जा सके। ओके, इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहेंगे आप लोगों को। ई इनबॉक्स निकालने की सीमा टर्नओवर के आधार पर तय होगी। अधिकारी ने बताया कि ई इनबॉक्स निकालने की अनिवार्यता रजिस्टर्ड कारोबारी के टर्नओवर या इनबॉक्स के मूल्य के आधार पर तय की जा सकती है। वैसे विचार यह है कि यह टर्नओवर की सीमा पर आधिकारिक हो, मीन्स आधारित हो। जितना टर्नओवर आप लोग किए जाओगे उतने ही इसकी थोड़ा लिमिट किए जाने चाहिए। और जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड की गई है 1.21 करोड़ कारोबारी कंपनियां, 1 करोड़ और 21 लाख कंपनियां रजिस्टर्ड की हैं, और 20 लाख कंपोजिटल स्कीम के तहत रजिस्टर्ड की गई हैं। ई इनबॉक्स निकालने का तरीका ये विल जनरेट करेगा, जिस प्रकार से इसको चोरी नहीं किया जा सकता है, ये विल ई वे विल की जगह लागू होंगे जो प्रस्तावित ई इनबॉक्स सिस्टम में चलेगा। ओके, तो इनबॉक्स डेटा में मिलान करना आसान, रिटर्न भरने में सहूलियत होगी, इस प्रकार से सरकार ने इसको आगे बढ़ाने में सहायता दी है। दोस्तों, जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ फाइल आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है यदि आप लोगों को और भी डिटेल से इसकी जानकारी चाहिए तो। ओके, अगला आप लोगों के लिए क्या दिया गया है, फंडिंग ना मिलने से अपना स्टार्टअप फेल हुआ तो दूसरे स्टार्टअप की मदद करने वाली कंपनी जो बनाई किसने, आज अमेरिका की 7,000 करोड़ रुपए के बिजनेस करती है। तो इस कंपनी के सिर्फ मैं आप लोगों का देखो वही लिख करके आता हूँ जो आप लोगों की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसका सिर्फ कार्टा किसी कंपनी को फंड जुटाने या मालिकाना हक तय करने और जो इंटीग्रिटी मैनेज है उसमें मदद करती है अभी फिलहाल में। तो इसका कंपनी का नाम क्या है, कार्टा। ओके, और 1,000 से ज़्यादा इसके क्लाइंट हैं, 500 कर्मचारी इसमें काम करते हैं। अगला जो आप लोगों का दिया गया है, अगला दिया गया है फुटबॉल, बार्सिलोना में 3 मैच बाकी रहते ला लिया चैंपियन जो है उसका 11वें सीजन में 8वां खिताब इन्होंने जीता है। तो बार्सिलोना घरेलू लीलॉग चैंपियनशिप बन गया है, बार्सिलोना ने लेवांते को 1-0 से हराया, इसी के साथ ही फुटबॉल का चैंपियनशिप बन चुका है। इसका आप लोग फोटो भी देख सकते हैं, आप लोगों के लिए फोटो भी ये लेकर के आया हूँ। ओके, जिसमें जो हमारे दूसरे नंबर की जो टीम कौन सी थी इसमें आप लोग बताना चाहूँगा, जो एटलेटिको मैड्रिड ने 9 पॉइंट आगे थी, लेकिन बार्सिलोना 26 बार इस बार चैंपियनशिप को जीता है। ओके, अगला जो आप लोगों का दिया गया है, अगला महत्वपूर्ण जो टॉपिक दिया गया है वो आप लोगों का फार्मूला वन बल्टेरी बोटास ने अजरबैजान ग्रांड प्री जीती, जो आप लोगों को दिख रहा होगा आप लोगों के सामने, करियर की 5वीं जीत इन लोगों को मिली है। तो ये कहाँ की बात है, ये वाकू मर्सिडीज के फार्मूला ए रेसर हैं ये। तो वाल्टेर बोटास ने अभी अजरबैजान ग्रांड प्री जो है जीत ली है, तो ये आप लोग देख सकते हैं, उनका फोटो भी आप लोगों के लेकर के आया हूँ। दोस्तों, इससे संबंधित यदि आप लोगों को कोई भी और भी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप लोग पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। मैं सिर्फ आप लोगों को उन हेडलाइन से परिचित करवाता हूं जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, सिर्फ इन्होंने जीती है तो इसके बारे में आप लोगों को बता दिया। ओके, आगे के क्रम में जो आप लोगों को दिया गया है, सूडान में दिसंबर में चल रहा विवाद खत्म हुआ, संयुक्त नागरिक सैन्य जो परिषद है उसको सहमति मिली है। तो इसमें आप लोगों के लिए जो तस्वीर आप लोग देख सकते हो, सूडान में मन रहे जश्न की है, वहाँ प्रदर्शनकारी नेता और सैन्य शासक शनिवार को एक संयुक्त नागरिक सैन्य प्रशासक परिषद की स्थापना के लिए सहमत हो गए। तो इसके विवादित की फोटो है, जो इस विवादित मुद्दे का समझौता तो हुआ था, तब सेना ने लंबे समय तक जो नेता हैं वो उनका नाम अभी अभी सामने आया है, वो है अल वसीर को हटा दिया गया है। ओके, तो ये कहाँ की खबर है, सूडान की खबर है, आप लोगों को बताना चाहूँगा। आगे के क्रम में जो आप लोगों का दिया गया है, आगे के क्रम में जो आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है बास्केटबॉल का जो खेल पे, इससे संबंधित मैं आप लोगों के लिए न्यूज़ लेकर के आता हूँ। लेकिन आगे से आप लोगों को आज से बताना चाहूँगा, आप लोगों को नव भारत टाइम्स और कुछ बड़े बड़े अखबारों की जो मेन हेडलाइंस होती हैं वो आप लोगों के लिए आज से ऐड होंगी, इसी चैनल पर अवेलेबल होंगी। ओके, सिर्फ आप लोगों के लिए वही लेकर के कंटेंट लेकर के आऊँगा जो आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल के रूप में सहायक होगा। डेनवर 35वीं बार वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल में स्पर्स को हराया, तो इसका पूरा डिटेल जानते हैं, ये नीचे दिया गया है। एनबीए की टीम डेनवर नेगेट्स 35वीं बार वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस के सेमीफाइनल में पहुंच गई। डेनवर ने नेगेट्स को प्ले ऑफ वेस्ट ऑफ 7 सीरीज की आखिरी मैच में सैन एंटियागो स्पर्स को 90-86 से हराया। डेनवर नेगेट्स सीरीज है जो 4-3 से इन्होंने जीती है, आप लोग देख सकते हो इसका फोटो भी। तो ये डेनवर 35वीं बार इसको वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस सेमीफाइनल को स्पर्स को हराया है, 35वीं बार हराया, 35वीं बार मीन्स ये जीते हैं। ओके, अगला जो आप लोग देख सकते हो,
फुटबॉल रेनेस ने 48 साल बाद फ्रेंच कप जीता, 12 बार के विजेता पीएसजी को हराया, लगातार 12 साल से वो विजेता थे, उन लोगों को हरा दिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी आते हैं कि फ्रेंच कप इस बार किसने जीता है, तो रेनेस ने जीता है, 48 साल बाद जीता है, और उससे पहले कौन विजेता रहा था, तो पीएसजी रहा था। इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए आते हैं, इस प्रकार से मैं आप लोगों के लिए इसको लेकर के आता हूँ। अगला जो आप लोगों का दिया है, 8 साल पहले नारंग ने शूटिंग की पहली अकेडमी शुरू की, अभी 10 शहरों में 17 सेंटर और 1200 खिलाड़ी इनके पास हैं। 2013 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमें कोई मेडल नहीं मिला था, 2018 में 15 मेडल मिले इन्हीं के कारण, आप लोग देख सकते हो गन फ्रो ग्लोरी। रविवार को खत्म हुई शूटिंग वर्ल्ड कप में दिव्यांग और अभिषेक के ओलंपिक कोटा इन्होंने इन लोगों ने हम लोगों को हासिल करवाया। अंडर 21 के खिलाड़ी 2 साल में 7 वर्ल्ड कप वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। एकेडमी ने 2017 में प्रोजेक्ट ये शुरू किया था, जिस कारण से ये बहुत 15 गुना बेहतर हम लोगों के लिए साबित हुआ है। आप लोग देख सकते हो एकेडमी के लिए ओपन ट्रायल खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, ओपन ट्रायल द्वारा खिलाड़ियों का चयन किया जाता है। जो लोग मीन्स भर्ती होने के लिए जाते हैं तो उन लोगों को सीधा निशाना लगवाया जाता है, यदि लोग अराउंडेड भी होते हैं तो उन लोगों को भर्ती किया जाता है, नहीं तो उनको मना कर दिया जाता है। ओके, अगला जो आप लोगों का दिया गया है इंडोनेशिया में जबरदस्त बाढ़ के बाद भूस्खलन से 17 लोगों की मौत हो चुकी है, 15,000 परिवार बेघर हो चुके हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन किस प्रकार का बनेगा, इंडोनेशिया में बाढ़ कब आई थी, तो आज को आप लोगों को डेट बता देना, 29 दिसंबर को आई थी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ये भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है। और वैंकोल प्रांत के पश्चिमी हिस्से में बारिश से तबाही मच गई थी, इस कारण से यहाँ पर बाढ़ आई, भूस्खलन में 17 लोग मारे गए, 9 लोग लापता हैं अभी भी, और बाढ़ के कारण 15,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। मीन्स आप लोगों को ये जानकारी होना चाहिए कि इंडोनेशिया में अभी भी बाढ़ आ गई, जिस कारण भूस्खलन भी हुआ है। ओके, अगला जो आप लोगों का दिया गया, हांगकांग की सड़कों पर प्रस्तावित नए प्रत्यावरण कानून के खिलाफ 1,000 लोगों का जो प्रदर्शन हुआ है, तो नया प्रस्ताव पारित किया गया है, तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़ी जनसंख्या की बड़ी मात्रा में जनसंख्या यहाँ पर मौजूद है। प्रस्तावित जो अभी अभी कानून यहाँ पर पारित किया गया है, प्रत्यार्पण कानून को ख़त्म करने की मांग को लेकर रविवार को हांगकांग में 1,000 लोगों ने जो संसद पर मार्चा किया। विपक्षी दल के नेताओं का कहना है कि प्रस्तावित कानून आपराधिक मामलों में आरोपी को उसके मूल देश चीन को सौंपने को और वहीं केस चलाने की इजाज़त देता है, ऐसे में आरोपी के साथ न्याय होना मुश्किल है और उसकी आज़ादी छीनने का खतरा होता है, इस कारण से इसको हटाने की मांग की जा रही है। अगला है आप लोगों के लिए पुलवामा हमला, जो आप लोगों को पता है 14 फरवरी को कितना खतरनाक दहका देने वाला हमारे देश में हमला हुआ था, तो इमरान ने चीनी राष्ट्रपति से बोले दोनों देश तनाव खत्म कर आगे बढ़ेंगे, टेंशन ना लो। जो भारत और पाकिस्तान है, तो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने बीजिंग यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति से कहा, मुलाकात में कहा कि दोनों नेताओं ने जम्मू कश्मीर पुलवामा 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले और उसके बाद हालात पर चर्चा की। इमरान खान से चर्चा के बाद जिनपिंग ने रविवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान को अपनी आपसी संबंध सुधारने चाहिए। जिनपिंग ने उसे उम्मीद जताई कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद अपने तनावपूर्ण संबंधों को सुधारने के लिए भारत और पाकिस्तान एक दूसरे से मिल सकते हैं। चीन ने सरकारी अधिकारियों से ने यह जानकारी दी है कि आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दोनों नेताओं ने दक्षिण एशिया के हालात पर विचार साझा किए। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच वार्ता में भारत पाकिस्तान के संबंधों के प्रमुख चर्चा की गई। ओके, आगे के क्रम में आप लोगों का दिया गया है, सैन डिएगो में यहूदी आज़ादी पर जो पर्व मना रहे थे, तो युवकों ने अंधाधुंध फायरिंग की और उसमें 42 दिन से धर्म के नाम पर 42 दिन में किसी भी धार्मिक स्थल पर तीसरा अटैक हो जाता है, ये बहुत ही खतरनाक है। अमेरिका 6 महीने में यहूदी प्रार्थना स्थल पर दूसरा हमला, अमेरिका की ये बात है, महिलाओं की मौत हो चुकी है और 3 लोग इसमें जख्मी हुए हैं। पूरी आप लोग देख सकते हो सैन डिएगो जो स्थान है अमेरिका का, सैन डिएगो के जो चवाड कम्युनिटी सेंटर में हमले के समय करीब 200 लोग मौजूद थे और फायरिंग के कारण कई परिजनों को ढूंढने जो है असमर्थ रही। अमेरिका के स्पीकर ने कहा क्या, स्पीकर नैन्सी बोली कि घृणा अपराध बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमेरिकी संसद के स्पीकर जो है नैन्सी पेलोसी ने कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ घृणा अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूज ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को प्रार्थना स्थल पर जाने से नहीं डरना चाहिए, सभी को अपने विचारों और धर्म के मुताबिक प्रार्थना करने का अधिकार है। इजराइल के राष्ट्रपति ने भी इसमें कुछ आप लोगों को कहा है कि राष्ट्रपति रेवलिन ने कहा, तो इस प्रकार के आप लोगों क्वेश्चन बनते हैं क्या इजराइल के राष्ट्रपति कौन है अभी, तो रेवलिन। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग रेगुलर वीडियो को देखा करिए, रेगुलर सुबह 7 बजे आइएगा, रेगुलर आप लोगों के लिए प्रीमियर लेकर के आता हूँ। और आज से आप लोगों का एक दो पेपर और जो खास खास है उनका खास से खास हेडलाइंस जो होगी वो आप लोगों के लिए लेकर के आया करूँगा। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की यदि आप लोगों को न्यूज़ चाहिए तो आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब करना ही होगा। ओके, जर्मनी विदेश मंत्री हड़ो को बोले यहूदियों से घृणा सिर्फ एक अफवाह है और ये किसी और आड़ में किया जा रहा है। इसकी यदि आप लोगों को डिटेल चाहिए तो PDF फाइल डाउनलोड कीजिए और इसका पूर्ण आनंद लीजिए।
आगे के क्रम में आप लोगों का थोड़ा सा आज जो बदलाव किया गया था कि यहाँ पर जो श्रीलंका में अभी आतंकी हमला हुआ था, तो इस कारण से इस देश में बुरके पर लगा बैन, जानिए इसके बारे में विस्तार से। ये आप लोगों के लिए एक जो है डिस्कशन टॉपिक एक आज बढ़ा दिया गया है, तो इसके बारे में थोड़ा जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप लोग देश आपको पता होना चाहिए श्रीलंका में अभी अभी चर्चों में बम हमले हुए हैं। श्रीलंका सरकार ने कोलंबो में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद वर्का जैसे चेहरों जो ढकने वाले जो कपड़े हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया। रिपोर्ट के अनुसार ये फैसला राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने लिया। तो आप लोगों को ये जानकारी मिलती है कि अभी जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं वो कौन है, मैत्रीपाला सिरीसेना ने किया है। तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, मैत्रीपाला सिरीसेना। उन्होंने साथ ही सरकार के फैसले की जानकारी ट्वीट पर इन्होंने ट्वीट करके दी है। सरकार ने बताया कि चेहरा ढकने वाला ऐसा कोई भी चीज़ जिससे किसी की पहचान करने में दिक्कत होती है उसे अफगानिस्तान प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित किया गया। सरकार ने बुरका पर क्यों लगाया प्रतिबंध, क्योंकि आप लोगों को पता है अभी श्रीलंका में जो हमले हुए हैं इस कारण से कोई भी आतंकवादी अटके जो भी हो छिपकर ना जा सके। श्रीलंका के कोलंबो में 21 अप्रैल 2019 को ईस्टर के दिन हुए आत्मघाती हमलों में सेल सिलेवर जो है वो बम धमाकों की रिपोर्ट के अनुसार करीब 253 लोगों की मौत हो गई है, 500 लोग इसमें घायल हुए हैं। जाँच में ये बात सामने आई कि हमला करने वालों में एक महिला भी शामिल थी, उस महिला ने बुरका पहना हुआ था, जिसके बाद से ही वहां बुरका पर प्रतिबंध लगाने की बात चल रही है। ओके, ये आप लोग देख सकते हो उस दिन की तस्वीर, बहुत ही खतरनाक है, आप लोग देख सकते हो इसको। सरकार द्वारा किए गए निर्देश क्या जारी किए गए, श्रीलंकाई सरकार के अनुसार लोगों की सुरक्षा को ध्यान रखते हुए चेहरों को ढकने वालों हर तरह के जो परिसाधन है उन लोग सभी को पहनने पर 29 अप्रैल 2019 को प्रतिबंध लगा दिया गया है। श्रीलंका सरकार ने चेहरा ढकने वाले हर कपड़े पर प्रतिबंध का फैसला यहाँ के एक संसद द्वारा वहाँ की संसद में निजी बिल लाने के बाद किया गया। राष्ट्रपति ने आतंकी हमले के एक हफ्ते बाद इस आदेश को जारी करते हुए कहा कि उन्होंने संविधान द्वारा किए गए आपात अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए फैसला लिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा जारी बयान में कहा गया कि ये बयान राष्ट्रीय सुरक्षा स्थापित करने के लिए देश में लाया गया है। इससे पहले बुरके पर और कहाँ लगाया गया प्रतिबंध, ये आप लोग देख सकते हो। श्रीलंका से पहले चाड, कैमरून, गाबोन, मोरक्को, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, डेनमार्क, फ्रांस, बेल्जियम, उत्तर पश्चिमी चीन के मुस्लिम बहुल प्रांत जो सिंजियांग में बुरका को पहनने का प्रतिबंध लगाया जा चुका है ऑलरेडी। ये बहुत ही लास्ट में डिसाइड किया गया है। तो ये था आप लोगों का आज का जो एक और डिस्कशन टॉपिक एक्स्ट्रा जो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था। आगे के क्रम में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों का आने वाले हैं क्वेश्चन डिस्कशन टॉपिक नहीं है, आप लोगों को दो क्विज क्वेश्चन आप लोगों के लिए 10 क्विज क्वेश्चन भी लेकर के आता हूँ, जिनके लिए आप लोगों को 30 सेकंड का समय दिया जाएगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। आप लोगों को इनका जवाब भी हमारे द्वारा ही बताया जाएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये रेगुलर सुबह 7 बजे रेगुलर आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल होती है। सो आप लोग रेगुलर सुबह 7 बजे क्लास में आइएगा। तो आइए, जो पहला जो आप लोगों का क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को पढ़ते ही आप लोगों को 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। क्वेश्चन तो दिया गया है, VCCI ने हाल ही में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है 4, 5, 6, 7। तो आप लोगों को बताना है BCCI जो क्रिकेट बोर्ड है उसने हाल ही में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन बोर्ड के लिए नॉमिनेट किया है। इसके लिए मैं आप लोगों को 20 सेकंड का ही समय दूंगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूं उनके लिए तो मैं आप लोगों को 20 सेकंड का ही समय देता हूं। इसका रीजन ये है कि मेरे द्वारा समझाया गया आप लोगों को हाल ही समझ में आता है, मैं 30 सेकंड का समय उसके लिए देता हूं कि यदि आपने कहीं पढ़ा हो, क्योंकि आप लोग भी तैयारी कर रहे हो, अवेयर रहना चाहिए। ओके, तो इसका जो आप लोगों का आंसर होने वाला है वो आप लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 4 राइट आंसर होगा। BCCI ने हाल ही में 4 खिलाड़ियों मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, पूनम यादव को अर्जुन अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस कार निर्माता कंपनी ने अगले वर्ष 1 अप्रैल से डीजल कारों की बिक्री बंद करने का फैसला लिया है। तो ऐसी कौन सी मोटर कार कंपनी है जिसने डीजल की जो कारें हैं उनको बंद करने का फैसला लिया है 1 अप्रैल से। तो ये ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है, टोयोटा इंडिया, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी और रेनॉल्ड इंडिया। तो आप लोगों को इसका जवाब देना है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसने अभी अगले वर्ष मीन्स नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल से डीजल कारों की बिक्री बंद कर देगा। ये आप लोगों का टाइम अप हो चुका है दोस्तों, आइए इसका आंसर जानते हैं कौन सी कंपनी है। मारुति सुजुकी इंडिया ने यह फैसला लिया है, ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट आंसर होगा। विदेश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने इंडिया ने अगले वर्ष 1 अप्रैल से डीजल कारों की बिक्री जो बंद करने का फैसला लिया है। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया क्वेश्चन है, ओडिशा में किस चक्रवाती तूफान को लेकर चेतावनी जारी की गई। तो उस चक्रवाती तूफान का नाम आप लोगों को बताना है जिसके कारण वहाँ चेतावनी जारी की गई है। मीन्स चेतावनी का मतलब संकेत एक इस प्रकार का जिससे हमें खतरा होता है, क्योंकि इसका ऑप्शन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पहले कल्पना, रुद्रा, राशि और फानी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा चेतावनी मीन्स हमारे, मैं आप लोगों को थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा, हम सड़क पर चलते हैं तो हमारे निर्देश दिए रहते हैं, उनका कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है, उनका हमें पालन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये यदि उनका पालन नहीं करेंगे तो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। इधर आप लोगों का टाइम अप हो चुका है दोस्तों, तो आइए देखते हैं कौन है। तो ये फानी इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा।
ऑप्शन नंबर डी, मौसम विभाग के अनुसार तूफान फानी बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पूर्व में तेजी से होता जा रहा है और अगले 24 घंटे में इसके अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान के बदलने की आशंका है। इस तूफान के चलते तमिलनाडु आंध्रा में अगले 2 दिन में हल्की हल्की मध्यम वर्षा हो सकती है। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया क्वेश्चन है, लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव में सबसे अधिक किस राज्य की सीटों का मतदान किया गया। ऑप्शन आप लोग दिया गया गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। तो आप लोग जल्दी से बताना है कि लोकसभा का जो चौथा चरण चल रहा है, चुनाव चल रहे हैं प्रधानमंत्री के चुनाव के लिए, तो उसका चौथा चरण जो संपन्न हो चुका है वहाँ किस राज्य की सीटों पर मतदान सर्वाधिक किया गया, तो ये आप लोगों को बताना है। आप लोगों का टाइम अप होने वाला है दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। दोस्तों जो कुछ भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ उसका PDF फाइल आप लोगों को रेगुलर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होता है। इधर आप लोगों का टाइम अप हो चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं क्या आंसर आप लोगों का होने वाला है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र आप लोगों का राइट आंसर होगा। 17वीं लोकसभा के चौथे चरण के लिए मतदान 29 अप्रैल 2019 को शुरू किया गया। इस चरण में 72 लोकसभा सीटों का मतदान हो रहा है। चौथे चरण में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 17 सीटों की वोटिंग हो रही है। ओके, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया क्वेश्चन है, वह कंपनी जिसने हाल ही में FCS आलू उगाने पर बिना मंजूरी लिए इस किस्म को आलू उगाने वाले किसानों पर केस दर्ज कर दिया। ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है ब्रिटानिया, पेप्सको, नेस्ले और KFG। वह कंपनी जिसने हाल ही में FC5 आलू उगाने पर बिना मंजूरी लिए किस्म के आलू उगाने के कारण किसानों पर केस दर्ज कर दिया है, तो कौन सी कंपनी है जिसने इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि वो लोग अपनी कंपनी के लिए विशेष यूज करते होंगे इस कारण से उन्होंने केस दर्ज कर दिया। आप लोगों का टाइम अप हो चुका है दोस्तों, आइए देखते हैं कौन सी कंपनी है। पेप्सिको, पेप्सिको का कहना है कि बिना इजाज़त किए किसान FC5 आलू किस्म के आलू की खेती नहीं कर सकते। कंपनी ने इस किस्म के आलू की बिना इजाज़त बुआई करने वाले किसानों पर भारत में केस दर्ज किया है। ओके, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का होने वाला है क्वेश्चन है, श्रीलंका सरकार ने कोलंबो में हुए जो सीरियल बम धमाकों के बाद निम्न में से किस प्रकार के कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये आप लोगों के लिए ओनली 20 सेकंड का समय दिया जाएगा। ऑप्शन आप लोगों दिया गया बुरका, साड़ी, कुर्ता पजामा या उनी शॉल। कोलंबो में हुए जो सीरियल बम धमाके में बहुत लोगों की मौत हुई है, तो इसके कारण सरकार ने एक बड़ा कदम लिया है कि बुरके पहनने वालों को मना कर दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसमें आप लोगों का राइट आंसर होगा। श्रीलंका सरकार ने कोलंबो में हुए सीरियल बम धमाकों के बाद बुरका जैसे चेहरे ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। रिपोर्ट के अनुसार ये फैसला राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरीसेना ने लिया, तो ये वहाँ के राष्ट्रपति हैं, उन्हीं के साथ सरकार के इस फैसले की जानकारी ट्वीट पर इन्होंने करके दी, ट्वीट करके दी। ओके, अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन दिया गया है, रेसलिंग फेडरेशन ने, भारतीय रेसलिंग फेडरेशन ने रेसलर विनेश फोगाट और किस रेसलर की राजीव गांधी खेल के लिए जो है सिफारिश की है। तो विनेश फोगाट आप लोग जानते होंगे, अभी आप लोगों को बताया था, इसके लिए मैं आप लोगों को ओनली 20 सेकंड का ही समय दूंगा। जो ऑप्शन है इस लोगों के जो है सुनील कुमार, महाबली सेरा, बजरंग पुनिया और सत्येंद्र डागर। तो ये आप लोगों का टाइम अप हो चुका है दोस्तों। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन मैं वही लेकर के आता हूँ जो मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, अदर कुछ लेकर के ही नहीं आता। बजरंग पुनिया ऑप्शन नंबर सी इसमें आप लोगों का राइट आंसर होने वाला है। भारतीय रेसलिंग फेडरेशन ने रेसलर विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को राजीव गांधी खेल के लिए पुरस्कार के लिए सिफारिश उन्होंने की है। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का, किस देश की क्लेयर पोलोसॉक पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय वनडे मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, पहली महिला बन गई, नॉट भारतीय। ऑप्शन आप लोग दिया गया नेपाल, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया। इसके लिए भी आप लोगों को 20 सेकंड का ही समय दूंगा। ये आप लोगों को कल की वीडियो में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, वो भी डिटेल से, उनका नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था। देखिए दोस्तों आप लोगों का टाइम अप हो चुका है, आइए इसके बारे में बताता हूँ। ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया आप लोगों का राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया की क्लेयर पोलोसॉक पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर बन गई हैं। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI महात्मा गांधी सीरीज के कितने रुपये के नए नोट को जल्दी ही जारी करने की घोषणा की है। तो ये आप लोगों का जो है 10 सेकंड का ही समय दिया जाएगा। ऑप्शन आप लोगों दिया है 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये और 50 रुपये। रीजन है दोस्तों, कम समय देने का एक रीजन है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को हेडलाइंस में लेकर के आ जाता हूँ। हेडलाइंस जो है डेली अपडेटेड होती हैं, और जो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन लेकर के आता हूँ वो अपनी हेडलाइंस में से बना करके लाता हूँ। तो 20 रुपये ऑप्शन नंबर ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक RBI महात्मा गांधी सीरीज के 20 रुपये के नए नोट को जल्दी जारी करेगा। RBI ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया जो आप लोगों का दिया गया है। तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो RBI है, भारतीय रिजर्व बैंक ने इसको जारी करने की घोषणा की है। ये नोटबंदी के बाद 7वां नोट है जो जारी होगा, इसके ऊपर भी जल्दी मैं आप लोगों को वीडियो लेकर ये आने वाला हूँ। अगला जो क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया क्वेश्चन है,
निम्न में से किस देश ने भारत को बौद्धिक संपदा आईपी अधिकारों के उल्लंघन के लिए ऐसे देशों की सूची में रखा जिसकी वजह से मामले में प्राथमिकता के साथ निगरानी करेगा? ऑप्शन आप लोगों को दिया गया है चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और नेपाल। तो निम्न में से किस देश ने भारत के बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए ऐसे देशों की सूची में रखा है जिसकी वह इस मामले में प्राथमिकता के साथ निगरानी करेगा? वह देश कौन सा है? चीन, पाकिस्तान, अमेरिका और नेपाल। आप लोगों का टाइम अप होने वाला है, 30 सेकंड का आप लोगों को समय दिया गया था। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर क्या होने वाला है? अमेरिका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अमेरिका ने भारत की बौद्धिक संपदा आईपी अधिकारों के उल्लंघन के लिए ऐसे देशों की सूची में भारत को रखा गया है जिसकी वह मामले में प्राथमिकता के साथ निगरानी करेगा। तो ये थे आप लोगों के लिए आज के 10 क्वेश्चन की क्विज। आगे के क्रम में आप लोगों के लिए चलता हूँ जो आप लोगों का लास्ट का डिस्कशन टॉपिक है, लोकसभा चुनाव 2019 के चौथे चरण में बाटा सीटों का जो मतदान आरंभ हो चुका है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल जो मुझे मिला है उसके बारे में बताना चाहूँगा। 17वीं लोकसभा के चौथे चरण के लिए मतदान 29 अप्रैल 2019 को शुरू हो गया। इस चरण में 72 लोकसभा सीटों का मतदान हो रहा है। लोकसभा चुनावी के चौथे चरण में 9 राज्यों की 72 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। चौथे दौर के चुनाव में बिहार की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर की 1, मध्य प्रदेश की 6 और महाराष्ट्र की 17, राजस्थान की 13, उत्तर प्रदेश की 13 और पश्चिम बंगाल की 8 और उड़ीसा की 6 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। इसके मुख्य बिंदु क्या है? चौथे चरण में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा 17 सीटों पर वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में प्रिया दत्ता, उर्मिला मंतोड़कर और पूनम महाजन और जो मुरली देवड़ा जैसे दिग्गज मैदान में हैं, तो ये आप लोगों को दिया गया है। जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो मैं आप लोगों को बना देता हूँ, जो आप लोगों का मेन है वो क्या है? पिछला लोकसभा चुनाव पिछली बार बीजेपी ने 56 सीटों पर कब्जा किया था। बीजेपी मींस माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी जो बीजेपी को बिलोंग करते हैं, और ऐसा मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस बात पर ज़रूर बताइएगा कि हमारे प्रधानमंत्री कैसे होना चाहिए, सिर्फ एक बार ज़रूर बताइएगा आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हो। पिछली बार बीजेपी ने 56 सीटों से यहाँ पर कब्जा किया था और 45 सीटें जीती थी। बीजेपी अभी भी मैदान में है, आप लोगों को पता है। 71 सीटों में से सिर्फ 2 पर हाजिल अभी तक जीत उन्होंने हार हाजिल की है। ओके, अगला जो आप लोगों का मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये था आज का आप लोगों करंट अफेयर, मोस्ट करंट अफेयर जो मैं आप लोगों के लिए रेगुलर लेकर के आता हूँ। साथ ही साथ कल थोड़ा सा बदलाव क्या होने वाला है कि मैं आप लोगों को बता दूंगा। कल थोड़ा सा बदलाव आप लोगों के लिए ये किया गया है कि कुछ बड़े बड़े जो अखबार हैं इंटरनेशनल लेवल के और नेशनल लेवल के, उनसे भी आप लोगों के लिए मोस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ रेगुलर लेकर के आया करूँगा। दोस्तों मैं आपसे भी बताना चाहूँगा, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करना जिससे आप लोगों के दोस्तों तक ये पहुँच जाए और पता चल जाए कि तैयारी सिर्फ इसी चैनल पर होती है। धन्यवाद दोस्तों।